हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही बिहार कुकिंग में। तो आज हम आप लोगों को खजूर बनाना बताएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इधर हमारा मैदा है, सूजी है, चीनी है, इधर भी हमारा चीनी है बाटी में। इसमें भी हम दूध ऐड करेंगे। ये मेरा जमाइन है, इसको भी तलहत्थी पे मल कर ले लिए हैं। अब हम आपको खजूर बनाकर दिखाएंगे। तो चलिए इसमें दूध ऐड कर लेते हैं, तब तक मेरा चीनी भी गल जाएगा। तो हम पानी यहाँ बिल्कुल यूज नहीं किए हैं, बिना पानी का ही हम आपको खजूर बनाकर दिखाएंगे। तो चलिए इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, एकदम खस्तेदार खजूर बनाकर आप लोगों को दिखाएंगे। एकदम यहाँ पे बिस्किट फेल हो जाएगा। इस टाइप का खजूर आप एक बार ज़रूर बनाकर खाइए, घरों में बहुत ही अच्छा लगता है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, थोड़ा सा इसमें हम रिफाइन ऐड करते हैं, आप चाहे तो घी भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम घी और रिफाइन दोनों थोड़ा थोड़ा ले लिए हैं। रिफाइन का मात्रा ज़्यादा था, घी का मात्रा थोड़ा कम ही था। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। जितना अच्छा से मिलाइएगा खजूर आपका उतना ही अच्छा बन कर आएगा। तो देखिए, हम बहुत ही अच्छे से इसको मिला रहे हैं, आप लोग भी इसी टाइप से मिला लीजिएगा। एक बार इस अंदाज में ज़रूर बना कर खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम कुटी हुई इलायची भी ऐड कर लिए हैं, नारियल छोरा का भी पेस्ट ऐड कर लिए हैं, और जो ये हम ऐड कर रहे हैं ये चिनिया बादाम था मेरा। एकदम आप दरदरा ही कूट लीजिएगा चिनिया बादाम को मिक्सी जार में। बस कच्चा आप रख सकते हैं तो कच्चा चिनिया बादाम रखिए, अगर नहीं तो हल्का सा भून कर भी आप इसमें दरदरा करके ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, हम अच्छे से मिला लेते हैं। इसमें चिनिया बादाम डालकर एक बार ज़रूर बनाकर खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है। चिनिया बादाम को एकदम थोड़ा सा दरदरा ही रखिएगा, ज़्यादा में ही नहीं कीजिएगा। तो देखिए, हम अच्छे से मिला लेते हैं। इसमें पानी बिल्कुल अभी हम ऐड नहीं किए हैं, बस यही सब चीज़ों से मिलाए हैं। तो चलिए, इसे दूध और चीनी को भी अच्छे से मिलाकर बस हम इसी में हम इसको अच्छे से सान लेंगे। हम पानी यहाँ बिल्कुल नहीं यूज करेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, मेरा पूरा वीडियो देखिए। छठ उठ के टाइम में भी आप लोग इसी टाइप से खजूर बनाइए, बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए, ये पूरा तैयार कर लिए हैं। अब चलिए, इसे बिना कोई सांचे, बिना कोई मशीन से ही आपको खजूर बनाकर दिखाते हैं। तो देखिए, कितने अच्छे से हम गोल भी कर लिए, बस बनकर तैयार हो गया मेरा खजूर। देखिए कितना सिंपल और कितना इजी है। तो देखिए, सारा खजूर बनाकर हम तैयार कर लिए हैं। तो इसे हम कैसे बनाते हैं हम दिखा भी दिए हैं, फिर से आपको एक बार हम दिखा देते हैं कि इसे कैसे बनाया जाता है। बिना कोई सांचे, बिना कोई मशीन से ही हम झटपट बनाकर तैयार कर लेंगे। आप लोग छठ के टाइम में भी बनाते होइएगा तो आप एक बार इस टाइप से ज़रूर बनाकर देखिए, बहुत ही कम टाइम में आपका ये बनकर तैयार हो जाएगा और बहुत ही अच्छा लगता है। आप खस्ता थोड़ा सा ज़्यादा ही रखिएगा तो उससे बिस्किट के जैसा लगेगा खाने में। अगर आपके पास मलाई है तो आप मलाई फेंट कर भी इसमें बना सकते हैं, अगर मलाई नहीं है तो आप इसमें दही भी फेंट सकते हैं, मीठी दही। मीठी दही लेकर भी इसे अच्छे से सान सकते हैं। सान कर आटा को बस उसको खजूर को अच्छे से ठोक लीजिएगा और बस छान लीजिएगा। बहुत ही कम टाइम है, बहुत सिंपल तरीका, इसमें कोई खर्च नहीं है। हम बिना पानी से ही बनाकर आप लोगों को दिखाए हैं। बहुत आदमी इसमें पानी यूज करके पूरा स्वाद को ख़राब कर देते हैं, तो आप लोग स्वाद को ख़राब मत कीजिएगा। पानी ऐड करके थोड़ा सा ही दूध ले लीजिएगा, हो जाएगा उससे। अगर दूध नहीं है तो आप दही से भी बना सकते हैं, अगर दही नहीं है तो आप मलाई से भी इसे तैयार कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हम यहाँ दूध ऐड किए हैं, दूध और चीनी को फुला कर लिए थे। तो आप चीनी ऊपर से भी हम ऐड किए थे आधा, और आधा हम दूध में भिगोने के लिए रख दिए थे, और उसको हम अच्छे से मिलाकर तब आप आटा को गूंथे हैं। तो देखिए, अच्छे से हम इसे पलट पलट कर तैयार करके आपको दिखाएंगे। इसे मीडियम फ्लेम पर ही पकाइएगा ताकि वो अंदर तक पक जाए।
ये एक बार आप लोग घर में ज़रूर बनाइए, बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग बिस्किट खाना बिल्कुल भूल जाइएगा। तो चलिए इसे हम पूरे अच्छे से पलट लेते हैं। बहुत कम टाइम में ये खजूर बनाकर हम आप लोगों को दिखाएंगे, वो भी बिना पानी का। पानी बिल्कुल नहीं ऐड कीजिएगा, नहीं तो आपका खजूर का टेस्ट बेकार हो जाएगा। तो चलिए ये हम पेड़े वाला शेप में भी बना लिए हैं, तलहटी पे ठोक कर। तो देखिए हम दो डिजाइन रखे हैं, आप अपने हिसाब से डिजाइन रख सकते हैं। इसका साँचा भी आता है, लकड़ी का भी आता है, स्टील का भी आता है, तो आप उस पर भी ठोक सकते हैं। लेकिन हम यहाँ हाथ से ही बनाए हैं, बिना कोई मशीन से ही हम बना के इसको तैयार कर लिए हैं। चलिए इसे हम छान कर निकाल लेते हैं। पूरे मीडियम फ्लेम पर ही इसे पकाइएगा ताकि इसे अंदर तक जाए, पक जाए। तो चलिए इसे हम पूरा निकाल कर आप लोगों को दिखाएंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। दूसरी बार भी हम उसी स्टेप से सारा को तेल में ऐड कर लेंगे। तो देखिए हम सारा को तेल में ऐड कर लिए हैं। तो देखिए मेरा बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है, कितना अच्छा लग रहा है दिखने में। तो आप लोग एक बार इस अंदाज में खजूर ज़रूर बनाइए, बहुत ही कम खर्चा में हम बना के आप लोगों को दिखाए हैं। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।